See, before World War II, the relation between US and Afghanistan were cordial. Itni tension hai. Then even during World War II, usme bhi koi problem nahi hai. But during the 1978, to kya hua? That Soviet Union invaded in this Afghanistan. और उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज अ एम्बेसडर फ्रॉम यूएस टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान से एम्बेसडर था जो सॉरी यूएस से जो अफगानिस्तान में, उसको किडनैप कर लिया. उसको सेव करने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई. अब यूएस का अफगानिस्तान से रिलेशन ठीक था. उसको लगा कि जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके पीछे सोवियत यूनियन का हाथ है, क्योंकि कोल्ड वॉर थी, है ना. तो अल्टीमेटली यूएस ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को, मुजाहिदीन को लोकल ट्राइबल जो स्ट्रगल करते थे फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया. पाकिस्तान ने इसलिए सपोर्ट किया, पाकिस्तान को लगता था कि भाई अगर हम इसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो सोवियत यूनियन जो थी दे कैन इन्वेड इन पाकिस्तान ऑल्सो, मतलब बलूचिस्तान एरिया में, उसको भी टेंशन थी. तो अल्टीमेटली जब मुजाहिदीन को सपोर्ट मिली तो उसमें से एक ट्राइबल कम्युनिटी राइज हुई जो जिसका नाम था तालिबान. तो हमें ये समझ आता है दैट द राइज ऑफ तालिबान इज ड्यू टू यूएस, है ना. अब उसका राइज हो गया, अब उसका राइज हो गया तो उसने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया. सोवियत यूनियन का फॉल हो गया 1992-91, है ना. उसके बाद जो काबुल पर अटैक किया तालिबान, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट उसकी वो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी वो ख़त्म हो गई और तालिबान गवर्नमेंट में आ गई, ठीक है. अब तालिबान गवर्नमेंट में, तालिबान को अलकायदा उधर फॉर्मेशन हो गई थी अलकायदा की, है ना. तो अलकायदा भी सपोर्ट कर रहा था. बाई 2001 क्या हुआ, 9/11, है ना, यूएस पर अटैक हो जाता है. उसी टाइम पर यूएनएससी एक रेजोल्यूशन निकालती है इन विच इट स्टेट दैट दैट तालिबान गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है. तो अब ये देखो कि तालिबान गवर्नमेंट टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, ये यूएनएससी ने बोला. उसी टाइम पर अमेरिका पर अटैक हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने फिर अफगानिस्तान पर एक एंड्योरिंग फ्रीडम मिशन जो स्टार्ट किया उसके थ्रू एक उस पर रिवर्ट बैक किया, ठीक है, अफगानिस्तान टू एलिमिनेट टेररिज्म. अब उसके बाद क्या हुआ कि टेररिज्म तो डिक्रीज हो गया तालिबान अफगानिस्तान, है ना, बट गवर्नमेंट भी आ गई दूसरी, करजाई गवर्नमेंट थी अभी गनी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, तो तालिबान भी है वहाँ पे. तालिबान अब इन्होंने पीस जो की है ना, जो पीस करने की ट्राई कोशिश की है वो किसके साथ की है, वैसे तीन मेथड है देखो पीस के, जो तीन ऑप्शन, या तो वो पहले गवर्नमेंट से कर ले यूएस. इंडिया क्या करता है, इंडिया कहता है कि पीस किससे होनी चाहिए, अफगान गवर्नमेंट से, है ना. तो यूएस या तो पहले अफगान गवर्नमेंट से पीस करे, उसके बाद जो भी एग्रीमेंट होगा वो तालिबान के साथ, एक तो मेथड ये. दूसरा मेथड है दोनों को इकट्ठे बिठाएं, तालिबान और गवर्नमेंट को, और उनके साथ पीस एग्रीमेंट किया जाए. थर्ड मेथड जो रिसेंटली इन्होंने अडॉप्ट किया था कि पहले तालिबान से करें उसके बाद सेपरेटली विद द गवर्नमेंट. अब इनमें से कौन सा बेटर मेथड, दोनों, उसके पीछे रीज़न आप समझो. अगर आपको रीज़न समझ आ गया देन यू आर एबल टू राइट एनी आंसर. उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मान लो पहले आप गवर्नमेंट से पीस करते हो, है ना, गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स कि गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश राइट टू फ्रीडम एंड एवरीथिंग, है ना, तो वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेगी, दैट इज दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल अफगानिस्तान. बट अगर हम पहले तालिबान से पीस टॉक करते हैं तो उससे रिलेशन क्या होगा, तालिबान का आइडियोलॉजी क्या है, तालिबान की आइडियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन मदरसा एजुकेशन, ठीक है. मदरसा एजुकेशन मतलब अब यहाँ पर ना तो वुमेन को राइट मिलेंगे, ठीक है, राइट टू फ्रीडम तो भूल ही जाओ, तो जो भी प्रॉपर्टी इशू है वो भी मेल को जाएंगे. तो इट मीन्स कि किसी भी एंगल से अगर तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अनस्टेबल अफगानिस्तान, क्योंकि वो तो बैकवर्ड चली जाएगी, है ना. उसके अलावा जो अलकायदा का रिलेशन है तालिबान से, इट मीन्स कि अगर हम मान लो ये पीस सक्सेसफुल हो जाती है ट्रीटी, है ना, यूएस ने किया गया तालिबान से एग्रीमेंट किया,
अब तालिबान एग्रीमेंट कर लिया, तालिबान गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती। तालिबान ने पहले बोल दिया था कि हम तभी एग्री करेंगे अफगानिस्तान गवर्नमेंट वर नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर ट्रीटी। अब वहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट है नहीं। अब यूएस को मान लो यूएस विड्रॉ कर गया, ठीक है, ट्रूप्स वगैरह चले गए, पीस ट्रीटी होगी। अब पीस ट्रीटी हुई अफगानिस्तान तालिबान से, इसका मतलब तालिबान हैव अ अपर हैंड इन अफगानिस्तान। अब वो तो अपनी मर्जी करेगा, उसको गवर्नमेंट वैसे ही पसंद नहीं है, उसको डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, टेररिज्म का चांस है। समझ आए? मतलब अगर आपको ये पता लग गया कि तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो है क्या, देन यू कैन राइट एनी। कोई भी अगर किसी भी एंगल से पूछ ले, तालिबान कहीं पर आ जाए वो उसका रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, मेजर मेजर मैं हेडिंग लिखूंगा। 1978 देखो, ये हमारे इंडिया का तो है नहीं कोई टॉपिक, इंडिया पर इम्पैक्ट क्या होता है दैट नीडेड टू डिस्कस, है ना। तो इसकी हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप मेंस में कोट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि यूएस का भी रिलेशन खराब होगा। ठीक है, 1978 में सोवियत यूनियन इन्वेजन, उसके बाद क्या हुआ 1979 डेथ ऑफ यूएस एम्बेसडर। ठीक है, देन यूएस सपोर्ट टू, इसको सपोर्ट किया था मजाहिदीन का मतलब स्ट्रगल। ठीक है, वो कम्युनिटी जो स्ट्रगल कर रही है, और इसके साथ मुजाहिदीन को एक और ने सपोर्ट किया, दैट इज पाकिस्तान। तो विद दिस लीड टू राइज ऑफ और बर्थ ऑफ तालिबान, तालिबान का बर्थ। क्लियर? यहाँ पर आपको कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है लास्ट में? हाँ जी, नीचे ज़्यादा नीचे तालिबान। ठीक है, देन सिविल वॉर स्टार्ट इन अफगानिस्तान। ठीक है, एंड बाय 1996 और 94 फॉर्मेशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद क्या हुआ 2001 में, क्या हुआ 9/11, है ना। देन एट द सेम ईयर यूएनएससी रेजोल्यूशन, इसने क्या किया, कंडेम तालिबान। ठीक है, तालिबान को कंडेम किया, क्यों, बिकॉज इट वाज सपोर्टिंग अलकायदा और टेररिज्म। क्लियर? ये समझ आए? मैं आराम से चलूंगा, क्योंकि थोड़ा आपको फैमिलियर नहीं होंगे इतना इस टॉपिक से। ठीक है, इस टाइम यूएस ने, यूएस के प्रेसिडेंट वाज जॉर्ज बुश, ही स्टार्टेड अ ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा था, एंड्यूरिंग फ्रीडम और टेररिज्म को एलिमिनेट करने में यूएस में काम स्टार्ट हो गया। क्लियर? ऑपरेशन, हाँ जी सर, रेजोल्यूशन कौन सा है, यूएनएससी रेजोल्यूशन, अरे नंबर क्या करते हैं 1333 है मेरे ख्याल से, लेकिन वो इसकी जरूरत नहीं है। एक और देखो, उतना ही पढ़ा जितना यूपीएससी के लिए, मेरे पास 11 पेज है, लेकिन मैं सब नहीं करूँगा। ऐसे तो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप क्या क्या नाम नोट करोगे,
ये तो फिर भी रेजोल्यूशन का नाम नहीं पूछेंगे। हाँ अगर ग्रंट में है इस साल में कोई वो जो बहुत प्रोमिनेंट हो वो पूछ लेंगे, मतलब जो वो भी इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड वाइड का भी हाई लेवल है। ठीक है क्लियर। ओके नाउ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो गया, इसके बाद क्या होगा? डिक्रीज इन तालिबान, है ना, तालिबान ऑक्यूपाइड एरिया डिक्रीज हुआ एंड अल्टीमेटली पीस प्रोसेस स्टार्ट। क्लियर। तो मैं फ्लो में चलूँगा। देन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने किस किस ने पीस प्रोसेस में स्टार्ट, सिर्फ एक आपको एक एक लाइन की जरूरत है। वन इज करजाई गवर्नमेंट, इसका नाम ही करजाई है तो क्या करेंगे। तो करजाई गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने बोला वी विल गिव यू ऑनरेबल प्लेस इन सोसाइटी, तालिबान बोर्ड। ठीक है, कंडीशन क्या रखी, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, इसने तालिबान से पीस डील करने की कोशिश की, ठीक है हम आपको अंग्रेज प्लेस देंगे सोसाइटी में, बट कंडीशन ये है यू हैव टू डिनाउंस डिनाउंस योर टाइज विद इसके हर अलकायदा, ऐसा ना हो आप फिर अलकायदा के आगे पीछे घूमते हो, समझे। क्लियर। ओके सर, किस ईयर में ये? हाँ जी, केडी ईयर चाहिए? 2010 ऑनवर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट किसकी है जो रीसेंट अभी है? गनी गवर्नमेंट, है ना। अब देखो तालिबान की आइडियोलॉजी अलग है, गवर्नमेंट के पास डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, है ना। तो तालिबान को जो गनी गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसने बोला ओके वी विल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे जैसा आपको चाहिए, बट कंडीशन इसमें क्या है, कोई कंडीशन नहीं रखी। इसको समझाने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम कंडीशन थी, है ना, अब ये कंडीशन खत्म होगी, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान इंक्रीज हुआ, है ना, तभी तो बिना कंडीशन भी मान रहे हैं। उसके बाद यूएस लेट जो है जो मेन That is, उसमें क्या कंडीशन, उसमें है ही मेन जो प्लेयर है दैट इज तालिबान। अब इसमें होगा कैसे, पहले यूएस प्लस तालिबान के साथ भी होगी, है ना, पीस एग्रीमेंट, देन यूएस विल मेक एग्रीमेंट विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। क्लियर। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को दोबारा समझाओ। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इज टू लिमिट टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो आप एक तालिबान है अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट है, तो टेररिज्म तो अभी भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं ना, अटैक अभी भी हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, हम पीस कर लेते हैं तालिबान से ताकि जो अफगानिस्तान है वो स्टेबल हो जाए। क्यों स्टेबल चाहिए वो मैं आगे डिस्कस करूँ, ठीक है। उसके बाद पीस जो लोकल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने दो बार एफर्ट किया, एक करजाई गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किया था उसमें कंडीशन थी तालिबान की, इसका मतलब करजाई गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट का जो अपर हैंड था क्योंकि तालिबान के साथ हमने कंडीशन रखी। बट जब सेकेंड टाइम, अब ये माने नहीं इस टाइम पर, ठीक है, तो सेकेंड टाइम इन्होंने क्या बोला, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू यू। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस क्या डिमांड करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं करेंगे, है ना, वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल है बाकी के लिए, नहीं। फिर भी यूएस ने, उसके बाद यूएस ने तालिबान से किया, अब यूएस तालिबान से एग्रीमेंट कर ले सपोज, अब उस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा अफगानिस्तान में, गवर्नमेंट को तो लोअर हैंड हो गया, अपर हैंड तालिबान का है, इसका मतलब तालिबान की मर्जी चलेगी, तो यूएस को सिर्फ इतना है कि इलेक्शन से पहले पहले हम यहाँ से विड्रॉ करें,
पॉलिटिकल प्रॉमिस, लेकिन वो जीतेगा नहीं, ठीक है? ओके, क्लियर इतना? अब आपको जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू के व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना, कि कौन सी प्रोसेस बेटर है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम इम्पैक्ट वगैरह करेंगे इसका, विच क्योंकि वे फॉरवर्ड तो आपको पूछेंगे पूछेंगे कि तालिबान के जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, चाहे आप 2 साल बाद दो, ये टॉपिक तो सेम ही रहे, उसमें आउटकम क्या है कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। एक तो प्रोसेस मैंने बताई कौन सी है, पहले तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ करें, देन विद तालिबान, ठीक है। दूसरा क्या है, अफगानिस्तान प्लस तालिबान, दोनों हो। तीसरा जो अभी ट्राई किया गया, पहले तालिबान उसके बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट, ये तीन ऑप्शन, ये इससे ज़्यादा तो है, ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो, वेस्टर्न कंट्री करती रही है पहले, ठीक है, बट वो अब नहीं होगा। इस मेथड में क्या होगा, पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट, देन विद द तालिबान, लेट अस सपोज ये एग्रीमेंट हो गया, है ना। अब इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, अगर तालिबान फिर नहीं माना तो क्या करोगे, है ना। आपने अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली, ठीक है, हम अफगानिस्तान में पीस लेकर आएंगे, जो अभी तक एफर्ट होता ही रहा, इवन गवर्नमेंट ही कर रही है फॉर द पीस, लेट अस सपोज ट्रीटी फाइनल होगी, ठीक है, एग्रीमेंट जो भी फाइनल होगी, इस एग्रीमेंट के बाद तालिबान क्या इस एग्रीमेंट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, प्रॉब्लम आ रही, सेम प्रॉब्लम। सेकेंड इज अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बट दिस इज द मोर वी कैन से दिस इज द बेटर सोल्यूशन, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हो, है ना, तो उनके जो भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है वहीं पर सॉल्व हो जाए, बट ये ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। वो ऐसा इसलिए हो सकता है एक कंडीशन में, अगर पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट डिक्रीज करते, ठीक है, और हम जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, उस कंडीशन में होगा क्या, अफगान जो तालिबान है, तालिबान डिक्रीज कर देगा नंबर में, ना ही उसको किसी चीज़ की सपोर्ट रहेगी, है ना, तभी वो इस कंडीशन में आ सकते। सो आपने ये लिखना है दैट फर्स्ट वी हैव टू कंट्रोल पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिज्म, जब पाकिस्तान की सपोर्ट टेररिज्म से डिक्रीज होगी, उसके बाद उसको सेम कंडीशन में हम लेकर आएंगे तालिबान, ओनली देन तालिबान भी लेकर, अदरवाइज तो वो एग्री करेगा, अदरवाइज क्यों एग्री करेगा, क्योंकि तालिबान अभी तालिबान के पास इतना एरिया है दैट इट कैन रूल एंड इट कैन डिस्टर्ब अफगानिस्तान एरिया, समझे। तो ये बेटर सोल्यूशन है, ये वाला तो अभी किया था पहले तालिबान एंड देन गवर्नमेंट, नाउ गवर्नमेंट ऑफ यूएस ऑल्सो रियलाइज दैट पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान इज नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, ये यूएस को, जो इंडिया आज से पहले बोल रहा था कि भाई आप पहले गवर्नमेंट को करो, ठीक है, गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट क्या होगा, जो आदमी गलत है, अब तालिबान वाले है ही गलत, तो उसके साथ जितनी मर्जी पीस ट्रीटी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई सोल्यूशन ही निकलेगा, क्लियर। Now the next one is road blocks to Taliban peace. कि ऐसी कौन सी condition है कि Taliban में peace establish हो नहीं रही? ये भी तो देखना पड़ेगा. Different heading देखूँगा कि किस तरह से question आता है. That is road blocks to Taliban peace. Afghanistan peace. ठीक है? कि ऐसी क्या कंडीशन है कि भी अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश हो नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, वो क्या क्या है, कुछ बोलो। अरे शायद मुझे भी एक आधा पॉइंट मिल जाएगा, इसका एक ही आंसर है, बेटर आंसर इज रीजनल पावर्स एंड अदर पावर्स विच आर प्लेइंग रोल इन अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया का पीस में एंगल लिखना है, लेकिन वो बाद में लिखना, मैं इंडिया का सेपरेटली डिस्कस करूंगा, क्योंकि तो उस पर एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है।
किया है पाकिस्तान, चलो मैं मैं और कर रहा इतना चाहिए वो कोई बात नहीं। हाँ जी अरे आप आपकी सर तो उनकी मैप नहीं है, मेरे लिए तो इतनी है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है कौन ठीक है, चलो समझ गए ना कि क्या गया। अब यहाँ पर देखो अफगानिस्तान एट दिस प्लेस, एक तो प्ले करेगा रोल पाकिस्तान, दूसरा करेगा ईरान मेजर रोल, ऊपर से यूएस है ठीक है, इट इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स रोल, यहाँ पर है इंडिया ठीक है, और एक है रशिया, ये मेजर रोल। रशिया पाकिस्तान इज पाकिस्तान के व्यू में क्या होगा, वेदर द गवर्नमेंट और तालिबान, तालिबान उसके पीछे रीजन है क्योंकि दे बिलोंग टू पश्तून कम्युनिटी, तो वो 15% तो इधर भी रहती है 40% यहाँ पर है ठीक है, एक तो आइडिया ये होगा। सेकेंड इज डी स्टेबलाइज अफगानिस्तान ऑल्सो फेवर ऑल्सो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा डी स्टेबल अफगानिस्तान होगा उतना ही इंडिया को इशू है। इंडिया का इशू क्या है देखो, एक यहाँ पर है ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सर तुर्कमेनिस्तान, तो हमने तापी पाइपलाइन स्टार्ट की थी कि गैस पाइपलाइन है जो यहाँ से इंडिया आएगा, लेकिन बीच में यही पड़ता है ठीक है, तो वो कोई इशू हुआ नहीं। सेकंड हमारा इशू है हमने आईपीआई ईरान पाकिस्तान इंडिया, फिर वही प्रॉब्लम ठीक है, तो ये तो एक रोड ब्लॉक है। अब इंडिया को पहुँचना है सेंट्रल एशिया में जहाँ से पाइपलाइन आ रही है, इसका इंडिया ने सोल्यूशन क्या निकाला, यहाँ पर क्या बनाया, चाबहार पोर्ट, यहाँ से चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान और ऊपर से अफगानिस्तान में भी रोड वगैरह बना दिया है ना, तो यहाँ से हम पास आउट करते हैं टू द सेंट्रल एशिया। तो इसको रोकने के लिए अब पाकिस्तान ये फेवर नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज कश्मीर इशू ठीक है, पाकिस्तान का जो है के कश्मीर हमारा है ना, उसको फुलफिल क्यों कौन करेगा, टेररिज्म, तो टेररिज्म कहाँ पर है इस एरिया, सो ये इशू है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक तो ये नहीं चाहता कि इंडिया की पावर इंक्रीज हो, सेकंड इज टेररिज्म, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिज्म, थर्ड इज लोकल कम्युनिटी ठीक है, तीन इशू हो गए। देन ईरान, ईरान इज ईरान एंड रशिया दे आर सपोर्टिंग तालिबान, उसके पीछे रीजन ये देते हैं कि दैट विद द सपोर्ट ऑफ तालिबान वी कैन एलिमिनेट अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्लामिक स्टेट एंड अदर, कि हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, है तो वैसे बेतुका ही बट उन्होंने बोला ऐसा ठीक है, तो वो है तो यही है कि यूएस जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है ये अपोज करेंगे, ईरान को ईरान तो करेंगे ही, रशिया शुरू से करता आ रहा है, बट उसका रीजन भी तो देना पड़ेगा। रीजन उन्होंने ये दिया दैट विद द सपोर्ट ऑफ तालिबान वी कैन एलिमिनेट अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिफाई कर देंगे टेररिस्ट को, एक ही रह जाएंगे ठीक है। अब इंडिया का हो गया, रशिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, ईरान का हो गया, चाइना, चाइना चाइना वॉन्ट टू बिकम अ एशियन टाइगर है ना, तो एशियन टाइगर के लिए अफगानिस्तान इज इम्पोर्टेंट ठीक है, क्लियर, इतने इशू लिख देना बहुत है, एक डायग्राम बनाना थोड़ी अच्छी बनाना है इसे ठीक है ओके। ये तो हो गया रीजनल पास, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करंट सिचुएशन। आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट इफ यूएस विड्रॉ, यूएस विड्रॉस वेरियस ट्रूप्स फ्रॉम द दिस अफगानिस्तान, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर इंपैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये तो बताना चाहिए एटलीस्ट करंट सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट आपको इकॉनमी पर पता होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रेटजी उसकी मिलिट्री कितनी है अफगानिस्तान, क्या जब यूएस ट्रूप एंड अदर कंट्रीज जो लेफ्ट कर जाएंगे है ना, उसके बाद अफगानिस्तान के पास इतनी फोर्स है कि वो स्टेबलाइज कर दे, ये तो देखना पड़ेगा। डन, दैट इज फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, इसको दो तरह दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट द करंट सिचुएशन
और उसका जो रिजल्ट है, मतलब तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ गया आंसर बिल्कुल सी, इफ यूएस विड्रॉ और यू इट्स अ चेंज इफ यूएस लेफ्ट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ गया आंसर विल बी सेम। ठीक है, क्लियर? नंबर वन हेडिंग दो, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सिचुएशन। नंबर वन इज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सिचुएशन। अफगानिस्तान में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन, देखो द सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान इज लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड फोर्स। ठीक है, इसमें एक जो डेटा है दैट इज नाटो लेड मिशन इन अफगानिस्तान सिंस 2015, नाटो लेड मिशन इन अफगानिस्तान जो नाटो शुरू किया है, उस मिशन का नाम है रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन। नाटो का जो मिशन है स्टार्ट किया था उसने, उसका नाम है रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन। हाँ जी, ईयर क्या बताया, 2015। इसमें जो इंटरनेशनल इशूज में ये इतना बेटर नहीं करता, आपको बताना चाहिए कि हाँ आइडिया होना चाहिए कि कब, मतलब एक आइडिया होना चाहिए हाँ 21वीं सदी में होगा, ऐसा नहीं मतलब कराना क्योंकि अदरवाइज आप डेट किसी नहीं याद करोगे। ओके, तो उसमें क्या है, इसका फोकस क्या है, ट्रेनिंग के जो लोकल फोर्सेज हैं उसको ट्रेन करना। तो यहाँ पर टोटल जो ट्रूप्स हैं इसके अंदर दे आर 17,000 जो भी वर्किंग है, और यूएस के ट्रूप कितने अलग से हैं, दे आर 14,000 क्योंकि बाकी कंट्री की कंट्रीज की भी कॉन्ट्रीब्यूशन, 14,000 यूएस के टोटल है। अब इसमें रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन में भी तो होंगे यूएस के, है ना, 17,000 है, तो इसमें यूएस के हैं 8,500। क्लियर, समझ आया, ये तो एक अलग मिशन है। ठीक है, इसमें यूएस के हैं 8,500 बाकी दूसरी कंट्रीज के। क्लियर, तो यूएस के वैसे टोटल कितने हैं, 14,000 मतलब बाकी इस मिशन के अंदर में। कोई भी एक लिख देना जो भी आपको एग्जाम में आ रहा है, मैंने तीनों बता। क्लियर, सेकेंड हेडिंग दो, दैट इज कंट्रोल, कि डिस्ट्रिक्ट पर कितना कंट्रोल किसका है, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा कि इस टाइम पर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है एंड तालिबान का कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो इसमें एक डेटा है जो कहता है दैट गवर्नमेंट कंट्रोल डिक्रीज, कि कितने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इट डिक्रीज इन 2019। डिस्ट्रिक्ट पर किसका कितना कंट्रोल है, ठीक है, ये पोजीशन है 2019, दिस वाज 2016, दिस इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल, ये किसका कंट्रोल है, तालिबान। क्लियर, इट मींस गवर्नमेंट कंट्रोल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इन अफगानिस्तान इन रीसेंट इयर्स। एट द सेम टाइम तालिबान कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कितना डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज ऑक्यूपाई किया, गवर्नमेंट का अराउंड 53% है। ठीक है, तो तालिबान का कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट वाई इन रीसेंट पीस ट्रीटी दैट दिस तालिबान हैड अ अपर हैंड, तो जिसका कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पर इंक्रीज हो रहा है, वही तो मेन प्लेयर होगा, समझ आया। This is according to cigar report. So,
स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन सिगार रिपोर्ट ही लिख लो बस उसने ये रीसेंट डेटा दिया अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट था वहाँ से निकाला आइडिया ये हो गया कि भाई अफगानिस्तान में जो तालिबान का है कंट्रोल इट इज़ इंक्रीजिंग और उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं वी ट्राई टू इवैक्यूएट दिस अफगानिस्तान फ्रॉम यूएस मिलिट्री फोर्सेज है ना तो उस टाइम पर रिस्क ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो जब वो मैंने सोल्यूशन दिया था क्या करेंगे पहले इसको कम करो है ना बाई कंट्रोलिंग टेररिज्म अगर आप ये अराउंड 20-23% अभी ठीक है बाकी अनऑक्यूपाइड है जो कंटेस्टेड है तो अगर सपोज करो तालिबान का एरिया जो है वो 5% या बिल्कुल ही माइनर रह जाता है तो उस टाइम पर फिर बराबर डील थोड़ी ना होगी उस टाइम पर तो गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल है उस टाइम पर हम ट्रीटी करें दैट विल बी बेटर एग्रीमेंट अगर कोई भी पीस एग्रीमेंट क्लियर डन द थर्ड वन इज ENSDF अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस भी बोल सकते हैं जैसा मर्जी बोल नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस अब ये लोकल है जो अफगानिस्तान की आर्मी ठीक है अब इस फोर्स में जो 75% फंडिंग है इसकी वो कहाँ से आती है फंड कर रही है इसको यूएस ठीक है और बाकी का जो 25% है वो कौन कर रहा है अफगान गवर्नमेंट प्लस अदर नेशन ठीक है अब इनको वो सपोर्ट क्या करते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए है ना ट्रेनिंग करनी है क्या 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 कैसे काम करते हैं एंड ऑल दीज थिंग उसकी ट्रेनिंग वगैरह सारी यहाँ से फंडिंग होती है अब ये देखो अगर यूएस से चला जाएगा ठीक है फंडिंग भी गई तो फंडिंग गई तो जैसे अभी उनके प्रेसिडेंट गनी ने बोला कि भाई अगर यूएस विड्रॉ करता है द अफगानिस्तान हैव ओनली वेरी लिमिटेड सोर्सेज एंड आई थिंक कुछ उसने डेटा दिया था मैं ऐसे बता देता हूँ उसको वो बोल रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं हम आर्मी को सपोर्ट ही नहीं कर सकते अफगानिस्तान वी डू नॉट हैव अनफ फंड्स टू सपोर्ट अफगानिस्तान आर्मी ठीक है तो इसका मतलब अगर यूएस विड्रॉ करता है तो इस अब उसके बाद यही कंट्रोल करेगी टेररिज्म है ना तालिबान को कौन कंट्रोल करेगा यही करेगा बट इसके पास तो फंड जो 75% है वो कौन दे रहा है यूएस तो लोकल फंड तो इतना है ही नहीं उनके प्रेसिडेंट ने बोल दिया 6 महीने से ज़्यादा निकालेंगे नहीं तो वो कैसे कंट्रोल करेगा ठीक है अब इसमें एक और इशू है इस फोर्सेस में करप्शन ठीक है और इसमें इलिटरेसी इलिटरेट है लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन पर चार्जेस लगे हुए हैं एक और है दैट इज डिक्रीजिंग क्वालिटी क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी बट क्वालिटी इज वेरी लो तो ये अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें इशू है इसका मतलब इफ यूएस विड्रॉ तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो आएगा नहीं क्योंकि लोकल फोर्स के पास उतनी पावर नहीं ठीक है तो आप रिजल्ट तो लिख दो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम कि अगर अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ करती है क्या होगा टेररिज्म विल क्लियर अब देख लेते हैं इंडिया के अंदर एक और लिख लो लास्ट कितने हो गए पॉइंट 3 एक और लिख लो 4 नंबर दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये अफगानिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है ठीक है अफगानिस्तान की जो जीडीपी है इट वाज 7% इन 2003 में 7% थी ग्रोथ जीडीपी 13 में 2% रह गई और 2017 में 3%
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, 55% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन अफगानिस्तान। क्लियर? तो यहाँ पर इसके इसका मतलब ना ही तो इकॉनमी है, ना ही सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी भी गई तो आप तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक उसमें हमने अंदर लिख लिया, देन यू कैन राइट ऑन सिक्योरिटी, देन यू कैन राइट ऑन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल अनस्टेबल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वही नहीं। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू एस विड्रॉ क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिख लो, प्रेसिडेंट गनी विल, प्रेसिडेंट गनी विल नॉट एबल टू सपोर्ट, प्रेसिडेंट गनी विल नॉट एबल टू सपोर्ट अफगानिस्तान, सॉरी आर्मी, अफगानिस्तान आर्मी फॉर मोर देन सिक्स मंथ, फॉर मोर देन सिक्स मंथ विदाउट यूएस, यूएस के बिना तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते, है ना, उसके पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से आएगा। इंक्रीज इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज इन टेररिज्म, अब टेररिज्म से क्या होगा, देर आर मोर चांसेस दैट तालिबान विल सपोर्ट अलकायदा। ठीक है, और भी आउटकम है इसके ऊपर, आप तालिबान पर भी लिख सकते हैं, राइट ऑफ तालिबान का जो रिसोर्सेज है, तालिबान के रिसोर्सेज है क्या, एक तो मैंने आपको बता दिया वन रोड ब्लॉक इज आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान कि वो है ही बैकवर्ड, तो वो तो मतलब कुछ काम ही नहीं होगा, है ना। सेकंड इज सोर्स ऑफ इनकम क्या है तालिबान, माइंस, माइंस कैप्चरिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसमें लिखो एक डेटा, द प्रोडक्शन ऑफ 9000 टन ओपियम इन अफगानिस्तान, द प्रोडक्शन ऑफ 9000 टन ऑफ ओपियम इन अफगानिस्तान कंट्रीब्यूट 60% ऑफ एनुअल बजट ऑफ तालिबान। अब 60% तो यही है, ठीक है, तो अब अगर आप नॉर्मलाइज करोगे कंडीशन तो क्या होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग और ओपियम प्रोडक्शन वो डिक्रीज होगी, तो उनके जो बजट ही हिल जाएगा, कैसे वो फिर इकोनॉमिक सर्वे निकालेंगे अपना, है ना। अदर सोर्सेज क्या हैं, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन टैक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिया, अफगानिस्तान और तालिबान की स्टॉक एंड इंडिया, इंडिया का इशू तो मैंने आपको बताई दिया कि इंडिया को स्टेबलाइज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल जाए, है ना, तो इसमें आप लिखवा दो करना, देखो दो तीन तरह से क्वेश्चन आएगा, अभी रिसेंटली अफ्रीका के और रशिया का इशू था, इंडिया की रशिया से है ना एग्रीमेंट वगैरह, उसको मैं इससे लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया, ठीक है, दिस इज चाइना एंड दिस इज रशिया, आइए ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है, तो एंड दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फर्स्ट बॉल ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशिया, एंड दिस इज यूरोप, ठीक है, इतना समझो। अब जो रशिया के दो ही है, वन इज वेस्टर्न एंड अदर वन इज ईस्टर्न, इंडिया ने जो गांधी बोस तक है ना यहाँ पर ट्रीटी की, जो भी एग्रीमेंट फाइन हुआ है, उसका रीज़न क्या है, ट्रेड रूट को शॉर्ट करना, हाँ जी, ट्रेड रूट है, ठीक है, और
चाइना और जापान की भी प्रेजेंस बढ़ रही है वहाँ पर, वो भी ठीक है। इस इशू से कैसे इसको लिंक करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया आपको, एक तो टापी आई प्रॉब्लम, आईटीआई प्रॉब्लम, इंडिया का जो मेजर ऑयल प्रोडक्ट इम्पोर्ट कहाँ से होता है, वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया इज वेरी डिस्टर्बिंग। अभी रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया में रिफाइनरी पर अटैक हुआ है ना, तो यहाँ से फ्लक्चुएट करता रहे, तो इंडिया ने इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इंडिया ने क्या किया है, एक तो रिजर्वियर ऑयल को रिजर्व बनाए है ना, ठीक है। दूसरा इंडिया ने क्या किया, फोकस ऑन बायोफ्यूल, ठीक है, अल्टरनेटिव, यस, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सारे इंडिया ने किए अप्लाई। अब उसके बाद भी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में गए, ऑयल सोर्सेज आर देयर, नेचुरल गैस इज देयर, है ना, ये वाला रूट दो खत्म हो गए, कोई प्रॉब्लम की प्रॉब्लम इसमें। तो ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया दूसरा, बट यहाँ पर अभी क्या है, अफगानिस्तान इज अनस्टेबल, तो ये भी ऑप्शन लिखना नहीं। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है ना, तो यहाँ पर जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस हैपन ड्यूरिंग द लास्ट 10 to 20 ईयर। तो जैसे वहाँ से आइस मेल्ट हुई तो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन की चांसेस इंक्रीज हो। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, चेन्नई को यहाँ से रशिया से थ्रू ये इसको लिंक करेगा टू गेट अनदर एनर्जी सोर्स, समझे। तो मतलब कोई भी आपको आई आर पर क्वेश्चन आया एनर्जी रिसोर्स पर, ये तीन एंगल लिख देना, एक तो आई पी आई एंड दिस काफ़ी पाकिस्तान इशू, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अफगानिस्तान इशू है ना, रिन्यूएबल पर तो कर ही रहे हैं फोकस, नाउ वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑयल एक्सप्लोर। तो अभी इन्होंने इंडिया की कई सारी कंपनी को इन्वाइट भी किया है ना टू एक्सप्लोर ऑयल इन दिस, क्लियर। तो इंडिया का इंटरेस्ट जो हमने क्या किया, अभी डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से हमने देखा कि जैसे वेस्ट एशिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, उसको डाइवर्सिफाई किया, क्लियर, समझ आ गया। तो इंडिया में जो टेररिज्म है, टेररिज्म को डिक्रीज करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी इन जम्मू कश्मीर, उसके लिए भी हमें अफगानिस्तान स्टेबल चाहिए। थर्ड थिंग इज, देखो एक बात देखो, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को कवर कर रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है। इंडिया ने क्या किया, अभी रशिया के साथ, रशिया कहाँ पे, ऊपर, यहाँ पर पाकिस्तान है, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की, अफगानिस्तान, ताकि ये इनडायरेक्टली यहाँ से प्रेशर डाल सके, ठीक है। तो पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए भी हमें अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, ठीक है। बट इंडिया की पीस प्रोसेस क्या होगी, अफगान गवर्नमेंट लेड प्रोसेस, तालिबान वाली, क्योंकि अगर तालिबान वाली होगी तो फिर टेररिज्म और इंक्रीज हो जाएगा, इंडिया के लिए थ्रेट हो जाएगा फर्दर, ठीक है। चलो दो तीन पॉइंट लिख दो, इंडिया डज नॉट वॉन्ट इस्लामाबाद, इंडिया डज नॉट वॉन्ट इस्लामाबाद टू बी ब्रॉड, टू बी ब्रॉड, टू बी ब्रॉड बैक इन टू अफगानिस्तान विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड। अच्छा एक और देखो, पहले यूएस ने क्या किया था, पहले यूएस की भी अफगान गवर्नमेंट लेड ही प्रोसेस थी, ठीक है, वो तो ट्रंप के आने के बाद उन्होंने फिर चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो ट्रंप पर पॉलिटिकल कंपल्शन है। तो ट्रंप ने अल्टीमेटली उसने बोला कि जो भी है इलेक्शन से पहले ख़त्म करो, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, द सेकंड इज इंडिया वांटेड अफगान गवर्नमेंट टू, इंडिया वांटेड अफगान गवर्नमेंट टू हैव फाइनल अथॉरिटी, हैव फाइनल अथॉरिटी टू डिक्टेट, टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ पीस, टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ पीस टॉक विद तालिबान,
एक और एंगल देख लो, यूएस ने पहले पाकिस्तान पर प्रेशराइज किया था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके जो बॉर्डर एरिया वहाँ पर ट्रेनिंग होती है टेररिज्म की, ठीक है, तो यूएस ने पहले प्रेशराइज किया कि उसको डिक्रीज करो, एंड पाकिस्तान ने भी हेल्प किया यूएस के अभी, ठीक है, तालिबान के पीस ट्रीटी में जो भी एफर्ट था, बट अब यूएस ने पहले प्रेशराइज किया, बट यूएस कैन नॉट पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान, क्योंकि यूएस वॉन्ट अ रूट थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के रूट से ही चाहिए अफगान डील को फाइनल करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की में स्पेस चाहिए इनको, तो वो मिलेगी नहीं अगर ये ना हो, तो देखो इंडिया वांटेड मोर प्रेशर, इंडिया वांटेड मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान बाय यूएस, ऑन पाकिस्तान बाय यूएस, बट यूएस But US such action might deny US to use Pakistan territory. Such action might deny US to use Pakistan territory for अफगानिस्तान ऑपरेशन, क्योंकि अफगानिस्तान वो बाद में बोलते कि नहीं हम टेरिटरी नहीं देंगे, या तो टेररिज्म इंक्रीज करो या फिर हैं क्या अफगानिस्तान ऑपरेशन, क्योंकि अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन करना है उसके लिए हमें टेरिटरी किसकी चाहिए, पाकिस्तान की, ऐसा ना हो कि यूएस इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दे कल को पाकिस्तान डिनाई कर दे, नेक्स्ट वन इज इफ पावर ट्रांसफर टू तालिबान इट विल लीड टू इंक्रीज इन टेररिज्म,